प्रधानमंत्री जी को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पता है, सेंस ऑफ टाइमिंग पता है, और ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो अद्भुत उनकी, वो निष्णात हैं, वो कला किसी के पास नहीं है। तमाम हाथी बाघ एकत्रित होकर के मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने बाघ नहीं देखा, बाघ ने प्रधानमंत्री जी को देखा। प्रधानमंत्री जी ने हाथी को नहीं देखा, हाथियों के झुंड ने प्रधानमंत्री जी को देखा। मैं इन बयानों पे क्या कहूं, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है ये बयान। पहली बार वायनाड से लड़ रहे हैं, नहीं ना, दूसरी बार वहां से लड़ रहे हैं। केरल इस देश का हिस्सा नहीं है, किस तरह के भारतवर्ष की कल्पना करते हैं अमृतकाल में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मैंने तस्वीरें देखी सुबह सुबह, बड़ी प्यारी तस्वीरें लगी। मतलब प्रधानमंत्री जी को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पता है, सेंस ऑफ टाइमिंग पता है, और ड्रेसिंग सेंस के बारे में तो अद्भुत उनकी, वो निष्णात हैं, वो कला किसी के पास नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज तमाम हाथी बाघ एकत्रित होकर के मोदी जी का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने बाघ नहीं देखा, बाघ ने प्रधानमंत्री जी को देखा। प्रधानमंत्री जी ने हाथी को नहीं देखा, हाथियों के झुंड ने प्रधानमंत्री जी को देखा। वाकया याद आता है अमृता शेरगिल का, जो उन्होंने नेहरू के संदर्भ में कही थी। बस लिस्ट जारी होने के बाद से, क्योंकि राहुल गांधी का जब नाम आया वायनाड से, तो लगातार बीजेपी अटैक कर रही है और ये भी कह रही है कि वो डर गए हैं। कुछ नेता कह रहे हैं कि मुस्लिम क्षेत्र है, वायनाड से ही लड़ सकते हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। आप कैसे इन बयानों को देख रहे हैं, और राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं तो उसमें क्या कोई समस्या? मैं इन बयानों पे क्या कहूं, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है ये बयान। पहली बार वायनाड से लड़ रहे हैं, नहीं ना, दूसरी बार वहां से लड़ रहे हैं। और ये जो मुस्लिम वाली बात है ना, मैं तो साफ तौर पर कहूंगा, नागरिक नहीं है क्या इस देश के? केरल इस देश का हिस्सा नहीं है? किस तरह के भारतवर्ष की कल्पना करते हैं अमृतकाल में? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। और अभी इंतजार तो करिए ना, अभी तो देखा है हमने 39। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।